सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। रोहतक आ रहा हूँ, रोहतक जा तो घर में मेवात रहा था, अब जींद जाना है तो रास्ते में रोहतक आ गया। रोहतक से एक गली से निकलते हुए देखा जो आज तक किसी और ने नहीं देखा। बड़ा दुख हुआ है जब हमारी सरकार इतना पैसा खर्चा है और कहीं ना कहीं राजनीति हुआ है, और ऐसा सीन मैंने देखा नहीं था, आज वो देखना पड़ गया। यहाँ से निकलूं था या कौन सी गली, मैंने नहीं बेरा यहाँ पे कि सीन देखो भाई। रेलवे स्टेशन अफरोज रहे हो जी। अच्छा। राम राम भाई साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई साहब। मैं भाई साहब रिक्शे वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ, प्रदेशी बंदा हूँ, यूपी से हरदोई डिस्ट्रिक्ट का हूँ भाई साहब। मैं साहब बहुत दिन रहते हुए 2 महीने कोरोना वायरस का हो गया भाई साहब। मैंने रोटी भाई साहब दे जाते हैं सती भाई साई दास के यहाँ से, रोटी दे जाते शाम शाम मिलती है साहब, दोबारा नहीं मिलती है भाई साहब। मैं तो मजदूरी करके भाई साहब खाता पीता हूँ भाई साहब। भाई देखो, ये दुर्दशा है, ये रोड पे सोए हैं, सिर्फ एक चद्दर बिछा रखी है, सिंगल एक चद्दर, कोई नीचे गद्दा ला गुदुल्ला हो ऐसा कुछ नहीं, सिंगल एक चद्दर। कितने जने सोए हैं? 1 2 3 4 अरे5 बहुत भाई साहब, अरे छः बिल्कुल सात पड़े हैं भाई साहब, आठ बहुत नौ पड़े दस हैं। 11 12 13 15 लगभग यहाँ पे आदमी हैं जो रोड पे ही सोए हैं, ये रिक्शा चलावे हैं और रोड पे सोए हैं। इब तक ही किसी सरकार ने किसी ने कुछ करते दिखे नहीं, सुनते नहीं दिखे। कद आंख पसीजेगी, कद सरकार का आंख होएगी, जद होएगी जब आड़े तो कोई गाड़ी आड़ा होगा और इनके ऊपर चढ़ा देगा और फिर कल नया खबर फैलेगी। होगी भाई साहब, पुलिस वाले आज अच्छा और फालतू मारे हैं भाई साहब। और मैं तुमको कितने मार के गया हूँ बाबूजी, हाँ जी पुलिस वाले ने बाबूजी मार मार के और बाबूजी हाथ पांव तोड़ दिए। अभी ले 15 दिन इसको हो भाई, गया कितना दबा मारा है पैसे मैंने, नहीं कितना मारा बाबूजी। है भाई, पुलिस 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 वाला ने। अरे भाई बाबूजी साहब आज कम से कम जैसे 20 दिन हो पहले लिया, और कम से दिन कम से 15 लगा दिन हो था, लिया भाई उसके साहब, दूसरे तीसरे दिन बाबूजी 5 6 गाड़ी भर भर के पुलिस वाले ये की 20 चल दिन हो रही लिया थी, भाई साहब। उसमें लेडीज भी पुलिस वाला और एक पुलिस वाला था बाबूजी, जिट्ठा सा और मोटा लट्ठ लोहे वाली ले लेके सारे क्यों बाबू मारा, को। क्यों मारा? बाबूजी यही पूछा, क्यों तुम लोग यहाँ सोते हो, अपने अपने घर जाओ। बाबूजी हाँ कैसे घर जाएंगे घर नहीं बाबूजी, आपका? घर नहीं बाबूजी घर बाबूजी, ही यूपी में है अभी बाबूजी, तो मारा कैसे पूरा। जाएं बाबूजी, तो गाड़ी यहाँ घोड़ा सब पे बाबूजी बाबू कहाँ है पे तो। रह रहे हो फिर? बाबूजी इंटरव्यू यही में रहे हमारा घर कितने साल द्वार से है हो लोग यहाँ है पे? यहाँ बाबूजी, हमको बहुत दिन हो बहुत गया दिन हो गए, बाबूजी। 20 20 साल मैंने हो लिया भाई साहब। एक मिनट एक मिनट, कितने साल हो गए यहाँ कम से पे? कम यहाँ 10 15 साल हो गए बाबूजी। गाड़ी गोली चलती थी तो आते जाते घर रहते थे, लेकिन बाबूजी 2 2.5 महीने से बंद हुआ है आपके सामने, तो हम कहाँ जाएं दस बाबूजी। पंद्रह साल आपको हो गए, हाँ दस जी, पंद्रह साल से रोड पे सो हो? रोड पे जैसे 1 2 महीने रहे बाबूजी, फिर घर जाना हुआ धान गेहूँ काटने के लिए, फिर चले जाते हैं बाबूजी, फसल भी कट गई, कहाँ जाए बाबूजी, कोई सुविधा नहीं हमारे दस लिए पंद्रह साल से रोड पे ही सो रहे हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। ना। कभी कमरा ले लेते हैं, अब कमरे दो कमरा रुपए भी पूछता हूँ किराएदार भाई, वाले भी बाबूजी भगा दो दिए, सौ बोले रुपए दो किराया सौ दो रुपए भाई और साहब। नहीं तो अपना बोरी बस्तर लेके बाबूजी बाहर चले जाओ। तो आप तो इस हम रिक्शा लोग पे सोते हो? अब हाँ क्या जी, करें बाबूजी, आपके सामने देख लो बाबूजी, ना कोई चक्कर आपने ना दारू बाबूजी भी कुछ रखी है ना? नहीं। हाँ हाँ भाई, है ना, नहीं है भाई, ना? हाँ भाई साहब देखो भाई, झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है, झूठ नहीं ये बोलूंगा भाई, गरीबी है, झूठ नहीं बोलूंगा भाई साहब, इसमें भी कोई शक नहीं है, रोटी खाने ने पीछे ने, दारू पीने ने पीछे, बड़ी शर्म आई मैंने बात देख के कोई बात नहीं। ना, कोई मैंने अच्छी नहीं लगी ये बात। यो भाई दारू नहीं पी रहा है, ये नहीं हाँ पी रहा नहीं, है हाँ ना? कोई नहीं, हाँ देखो यो यहाँ पे सोया है, ये देखो यहाँ बाबूजी, पे ये देखो ऐसे हम सोते हैं, देखो कोई लेके चला गया बाबूजी, ये तो एक चद्दर पड़ी थी हमारे पास, एक गमछा पड़ा था बस, इस मच्छर ऐसे झांकते थे आपके सामने, और कभी इसको सिर के नीचे, ये भी बाबूजी गड्ढे है। हाँ भाई मैंने बड़ी मैं तो के कहूँ, बड़ा मुश्किल यो काम है तो ये यहाँ भी पे। देख विकलांग आदमी है बाबूजी, इसको हम लोग ला ला के खिलाते हैं बाबूजी, देखो लेटा हुआ बेचारा क्या करे, देखो देखो विकलांग आदमी है, कहीं ये जाना विकलांग होगा। है, और भाई इसने रोटी हम खिलावा ला ला यहीं के इसको पे। बाबूजी खिलाते पिलाते हैं, इसको रिक्शा पे बैठा के बेचारा भीख मांगने जाता है बाबूजी, बाजार में इसको छोड़ के आता हूँ दोपहर में, ऐसे घसल घसल के बेचारा जाता है। आज इसको कपड़ा भी दिला के लाया हूँ उधार में, पुराने वाला कपड़ा जो फुटपाथ पे बिकता है उसको दिला के लाए, भीख मांग के 100 रुपया उसको दिया, जब ये दोस्त ने मैंने कपड़े ये दिलाए रिक्शा वाला बाबूजी। कितना अच्छा लगा, दारू नहीं पी रहा, सच्चाई बताओ, रिक्शा पे सोया बेचारा और इसने कपड़े भी दिला के लाए। और कमरे में रहते थे गनीपुरा, मालिक बोला भाई भाग जाओ, या मोबाइल तो किराया दो जब रहने देंगे बाबूजी, काम धाम मिला सारा पूरा बंद। मॉल ने 60 रुपए, और पुलिस किसी वाले फैक्ट्री बाबूजी खोल अलग दी, नहीं कोई रहने देते, अब तो बात ये नहीं। 4 5 दिन से पुलिस वाले नहीं आते, जो ये स्टेशन के 1 2 पुराने अपने हैं जान पहचान, जैसे हम स्टेशन पर रहते थे, वो कहते आराम से सो जाओ, यहाँ लेकिन पे सो जाओ, हाँ जी
सरकार कोई मंत्री कोई MLA ये नहीं कहता तुम सोने के लिए कहीं और जगह दिलवाएंगे? कोई नहीं बाबूजी, कोई नहीं। आज तक आप आए हो खाली, आज बाबूजी 2-1.5 महीने होगा कोई नहीं बाबूजी यहाँ आया। सरकार कोई नहीं कह रही है, कोई भी नहीं बाबूजी आज तक यहाँ आया। रोटी का रिक्शा तो आपकी आज मेरे ख्याल से चली होगी, 1-2 दिन से चली होगी? नहीं, 2-3 दिन से बाबूजी, 2-3 दिन से। बारिश में भी काम नहीं होगा? कोई काम नहीं, 150 कमा लेते हैं बाबूजी, तो कहीं छोले भटूरे की दुकान भी नहीं खुलती, कहीं ये समोसा मिल गया ये खा लेते हैं, कहीं जैसे फिंगर उंगर की करो करके लग गई दुकान उसको खा लिए भाऊजी, उसमें क्या पेटा भरेगा भाऊजी बताओ। सारा दिन मेहनत करते करते हाथ में छाले पड़ गए, घट्टे पड़ गए भाऊजी, क्या करें बताओ। देखो ऐसे हाल है भाऊजी। कहाँ से हो जी आप? इनकी बात है, ये कम बोल पाता है, हम लोग समझ जाते हैं इसकी बात, ये कम बोल पाता है, ये भी नहीं जानते कि बेचारा है कहाँ का। अच्छा, हाँ जी, ये ऐसे ही इशारा करेगा तो इसी में हम लोग थोड़ा बहुत समझ जाएंगे, फिर भी इसको हम अपना हम लोग लाते हैं तो अपना जैसे ये नहीं चल पाता वो नहीं चल पाता। ये भी बेचारे का दोनों पैर कटा हुआ बाबू जी, देख लो दोनों टांग कटी हुई है इसकी। ये सानी वाली दुकान झड़झ रोड पे है, यहाँ जाके सुबह बैठ जाता बाबू जी, कोई आ जाता है दान पुण्य करने के लिए, चाय पानी पिला देता बाकी बाबू जी कोई। ये कौन सा रोड है ये? ये बाबू जी स्टेशन वाला ये अप्रोच रोड है बाबू जी। यहाँ पे दुकान बड़ी सारी कौन दुकान है जो जिसका थोड़ा सा मैं लोगों को बताऊँ? कुछ कोई नहीं, ये दो होटल खुलता है बाबू जी रोटी की, ये भी दोपहर तक खुलेगा, ये भी उसके बाद बंद कर देंगे बाबू जी। तो भाई ये जो एक मामला दिखा बड़ा दुखद है, सरकार बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, इन्हाने जरूरत है उन वायदों की, इन्हाने जरूरत है जो सरकार पैसा बांटा है, इन्हाने जरूरत है जो रोटी पानी बिके है बटे है, सॉरी नोट देखो बांट रहे, पैसा वालों बांट रहे, टीवी पर बांट रहे है जी, सरकार गरीबों को कहां बांट रही, भूखों सरकार भूखों मर रहे हैं उसको कोई नहीं बांट रही है, जो जिसका नंबर 2 की कमाई उसको देता रही पैसा, जिसका 2 नंबर का काम उसको कमाई मिल रही है ना। तो भाई ये एक मुद्दा है रोहतक का, और रोहतक में अभी तक ये किसी और को नहीं दिखा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा। यहाँ के विधायक कांग्रेस से हैं, मैं उनसे उम्मीद रखूँगा कि कल को प्लीज़ 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 अगर इनके सोने की व्यवस्था ना हो यहीं पे सो जाएं, इनके 2-3 टाइम के खाने की व्यवस्था हो सरकार कर दे तो बहुत धन्यवाद होगा। इनके पास ओढ़ने के लिए नहीं है यहाँ पे कुछ, अगर एक एक मोटी सी दरी कुछ बिछाने का रोड, देखो मैं ये सच्चाई दिखाऊंगा, यहाँ पे सिंगल एक ये है, सिंगल एक ये चीज है बस, आधार कार्ड है नहीं। अब ये नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, यो इसने ओढ़ है कि इसने बिछा है भाई। ये तो थी सरकार को, सरकार से अपील। अब आम जनता रोहतक के जो जबरदस्त आदमी रोहतक और सोनीपत के मेरे थोड़े से फेवरेट हैं, क्योंकि मैं ठाडे दिल के हैं, सही हैं, फटाफट में काम कर रहे हैं, भाईचारे ने मैं समझे हैं, तो रोहतक और सोनीपत, अब मैं रोहतक में खड़ा हूँ तो रोहतक आ सकूँगा भाई, सरकार तो मेरा नहीं कद इनके बारे में सोचेगी, इतने भूखे मर जाएंगे, कल ने इनके बारे में ज़रूर सोचियो। इब्बे टाइम क्यों है भाई, इस टाइम 11:26 हुई है, 11:30 ये इस टाइम जाग गए हैं, सोए तो के थे यार, के सोएगा के करेगा आदमी, हाँ खाली पेट नींद नहीं आओगी, सच्चाई है यार। इनके लिए यहाँ की जनता कोई कदम उठाए, सरकार की आंख बेरा निकद खोलेंगी इतने मरजेंगे, तो सरकार जनता इनके लिए कुछ करे, 2-2 टाइम के एक एक घर से रोटी आ जाए तो इनका गुजारा चल जाए, सुबह दोपहर शाम यहाँ के लोग बांट लो। कल ने इस तरीके से अपनी गली में देखो कि कोई सो तो नहीं रहा रोड पर, से सहायता करो, और पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा भाई, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है, तो प्लीज़ इनको मारो ना, इनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो इनकी पिटाई हुई है वो एक हृदय विदारक है, मैंने पता है उनकी ड्यूटी है, उनको ये चीज़ संभालनी बड़ी औखी हो जाए है, लेकिन मैं समझूँ थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश करना जी। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें ताकि मैं भी इस बारे में समझ सकूँ। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की।